बात करने वाले हैं वो है पेट्रोलॉजी, रॉक्स एंड रॉक साइकिल, यानी हम तीनों के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और साथ ही ये देखेंगे कि रॉक साइकिल जो है वो किस तरह से चलती है। तो चलिए सबसे पहले हम पेट्रोलॉजी की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या है। ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ रॉक्स, यानी कि ये जियोलॉजी की वो शाखा है जिसमें कि हम रॉक के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसके ओरिजिन के बारे में जानते हैं, यानी वो क्या कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसी है या उसकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे हुआ था, इस चीज़ को हम लोग इसमें जानते हैं। तो पेट्रोलॉजी के तीन पार्ट्स होते हैं, पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी और लिथोलॉजी। तो तीनों को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। पेट्रोजेनेसिस स्टडी ऑफ ओरिजिन, मोड ऑफ अकरेंस एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रॉक्स, यानी कि जब रॉक्स का हम ओरिजिन यानी उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उसके नेचुरल हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर पेट्रोग्राफिक स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक, यानी इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, रॉक के वर्गीकरण के बारे में। फिर हम लोग का हो गया लिथोलॉजी, स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक, यानी रॉक के गुण के बारे में, जो भी शेप साइज वगैरह जो भी होता है उसके बारे में जो पढ़ते हैं उसको लिथोलॉजी बोलते हैं। तो जब अब हम इतने जान गए हैं कि पेट्रोलॉजी किसे बोलते हैं और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, तो अभी हमें ये भी बहुत जानना जरूरी है कि रॉक्स क्या होता है, तो उसके डेफिनेशन भी चलिए देख लेते हैं। रॉक में वी डिफाइंड एज अ नेचुरली अकरिंग एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स विच हैव फिक्स शेप एंड साइज, यानी कि मिनरल्स का वह समूह जो कि हमें नेचर में मिलता है और जिसका एक फिक्स शेप और साइज होता है, आकार होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो रॉक जो है हम लोग का जो अर्थ का मेजर पार्ट्स है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह जो भी देखते हैं वो सब सब चीज़ क्या चीज़ होते हैं, रॉक्स ही बनती है ना। तो रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। रॉक के हम लोग को तीन ग्रुप होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है, यानी कि अग्नेय, असादी और कायंत्रित चट्टाने। उसके बाद हम लोग आ जाता है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो हम लोग इग्नियस रॉक्स है ये हम लोग का प्राइमरी रॉक्स है और सेडिमेंट्री हम लोग सेकेंडरी है, यानी कि कोई भी रॉक जो है सबसे पहले क्या बनेगी, इग्नियस ही बनेगा, यानी कि जब मैग्मा आपका बाहर निकलेगा धरती पे तो ठंडा होकर के जमेगा तो इग्नियस रॉक बनाएगा। फिर जब ये इग्नियस रॉक टूटेगा फूटेगा, उस पर जब वेदरिंग होगी तो वह सेडिमेंट्री रॉक बनाएगा, और फिर सेडिमेंट्री रॉक में जब हीट और प्रेशर मिलेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, ठीक है। तो इसमें वही रॉक साइकिल में आपको इसी सब के तीनों के बीच के रिलेशनशिप को बताया गया है कि किस तरह एक रॉक से दूसरा रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलिए बस को मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद डाइग्राम के द्वारा आपको एक बार फिर से समझा दूँगी कि रॉक साइकिल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। The rock cycle shows the relationship between the three types of rocks and it is also known as the transformation of one type of rock into another. Igneous rocks formed as a result of the solidification of the magma, which break down into small particles called sediment, which may then be transported and deposited to form sedimentary rocks. Sedimentary and igneous rocks transform into metamorphic rocks when subjected to heat and pressure. These metamorphic rocks may themselves get broken down to form sedimentary rocks, or they may melt under great heat and pressure to form molten magma, which would then once again solidify to form igneous rocks. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रॉक साइकिल किस तरह से काम होता है, वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से आप समझेंगे तो आपको बहुत ही इजी होगा समझने के लिए कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो डायग्राम दिख रहा है, हाँ, तो देखिए क्या क्या होता है। जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम लोग मैग्मा है, ठीक है, यानी कि वॉल्केनो है। तो वॉल्केनो जब फटा तो मैग्मा जो है वो आपका बाहर आया, ठीक है ना। तो बाहर आता है इसको मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा जो है वो वातावरण में आकर के ठंडा होता है, कूलिंग होता है ना,
उसके बाद वो जमने लगता है, ठंडा होकर के वो जमने लगता है तो इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, फिर इग्नियस रॉक पे जब वेदरिंग या इरोजन होता है, कहने का मतलब है कि जब इग्नियस रॉक पे जल से या हवा के द्वारा या किसी और जो नेचुरल एजेंसीज के द्वारा जब इसमें कटता छटता है, इसमें है ना टूटता फूटता है, तो उसकी वजह से क्या बनते हैं छोटे छोटे कणों में बढ़ जाता है, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो सेडिमेंट है वो हवा के द्वारा, जल के द्वारा या फिर ग्लेशियर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और किसी इसका डिपोजिशन होता है किसी बेसिन में, कोई गड्ढा वाले स्थान में इसका जमाव होते जाता है, इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। और जब ये सेडिमेंट जो है एक परत बना रहा है उसके ऊपर और दूसरा परत फिर से आकर के बन रहा है, इस तरह ढेर सारा मतलब सब परत बनती जा रहा है, तो क्या हो रहा है कॉम्पैक्ट होते जा रहा है, एक दूसरे से जुड़ता जा रहा है ना, तो कॉम्पैक्ट हार्ड होते जाएगा तो वहाँ पे वह सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं परत दर परत बनी हुई है ना, ऐसे होता है। उसके बाद जब इसमें हीट और प्रेशर आपका लगता है तो ये हीट आपका ट्रांसफॉर्म होकर के मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फिर से जब क्या होता है मेल्ट होकर के फिर से मैग्मा बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, या तो फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इग्नियस रॉक से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, जब इग्नियस रॉक पे उतने ज़्यादा हीट या प्रेशर पड़ता है तो वो डायरेक्ट ही मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक तो हमने देखा कि मेल्ट होकर के फिर से मैग्मा बन जाता है, फिर इग्नियस रॉक बन जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेटामॉर्फिक जो है वो वेदरिंग करंट टूट जाता है और फिर से वो सेडिमेंट बनता है, और सेडिमेंट से फिर से वो कॉम्पैक्ट होकर के लिथिफिकेशन होकर के फिर से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। ठीक है, और अच्छा ठीक है, और ये चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि इग्नियस रॉक्स से जब डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं इग्नियस रॉक से हीट और प्रेशर की जगह जो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, इसको हम लोग ऑर्थो मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, और जब सेडिमेंट्री रॉक से यही मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट बनेगा तो उसको हम लोग पैरा मेटामॉर्फिक बोलेंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से अगर उसमें हीट और प्रेशर हुआ और उसके बाद उसमें और चेंजेस हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से बना तो इसको हम लोग बाय मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।